ओके, सबसे भी लोगों का इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखे तो उस वीडियो को देख कर उसके बाद इस वीडियो को देखूँ। सो इस वीडियो के अंदर मैंने समझाया हूँ ये कैसे सेकेंड इफेक्ट सब सभी लोग अप्लाई करोगे। सो इसके लिए आप सभी लोग देखो इस वीडियो के अंदर, ये आगे कर बंद है हेडशॉट और ये फिर से स्टार्ट आ रहा है ऐसा कुछ मूवमेंट। अब गाइस आप सभी लोग इस जगह पे करो यू, ये जो आप सभी लोगों का जो जंप है या फिर आप सभी लोगों का जो कोई भी पोजीशन है उस जगह पे चले जाओ। ये वीडियो के अंदर टैप सीजर में क्लिक और इसको फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन में क्लिक कर दो, इससे होगा यू। इस जगह का एक फ़ोटो कैप्चर होकर सेव हो जाएगी, ये गैलरी में भी चला जाएगा और इस जगह पे भी चली आएगी, ठीक है। और इसका आप सभी लोग देखो, ये फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके ले आओ, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को छोड़ कर, मतलब कैरेक्टर दिखना चाहिए और बाकी सब रिमूव। सो वो वीडियो आप सभी लोगों को आई बटन में लिंक मिल जाएगा कैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, या फिर जिसको भी पता है वो आप सभी लोग करके ले आओ। अब गाइस आप सभी लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद उस वीडियो को, वो जो फोटो था उसका एक सब रिफिक्स करके ले आओ। सो उसका भी लिंक आप सभी लोगों को हमारे आई बटन में मिल जाएगा, मोशन निंजा के अंदर मस्त तरीके से सब रिफिक्स मिल जाती है। सो आप सभी लोग उसको भी अप्लाई करके ले आओ। अब गाइस आप सभी लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार बैक कर दो, फिर से न्यू के प्रोजेक्ट में क्लिक कर दो और नेक्स्ट में क्लिक। और इस जगह से अभी अभी हम लोगों ने जो पेज कैप्चर किया था उसको हम लोग ले लेंगे। अब गाइस इसको हम लोग फोटो के अंदर टैप एडजस्टमेंट में क्लिक, इस जगह से सैचुरेशन को -100 कर देंगे और इस जगह से जो हम लोग नीचे चले जाएंगे, हाँ, जो हाईलाइट्स होती है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे और शेडो को कर देंगे माइनस। एक बार डन कर देंगे और इस फोटो को फिर से टैप और इस वाले ऑप्शन को इनेबल, ठीक है। सो फर्स्ट में चले जाओ और आप सभी लोगों को एक इफेक्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा लेयर के अंदर टैप फर्स्ट में जाके, ठीक है। सो मीडिया में टैप और इस जगह से आप सभी लोग जो वीडियो हमारी क्लिप डाउनलोड करोगे वो आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूँ। सो ये वाला वीडियो, सो इसको आप सभी लोग डाउनलोड करने के बाद इस जगह पे देखो, ये एक रेड कलर की है और एक वाइट कलर की होगी, ठीक है। आप सभी लोग चाहो तो दोनों में से एक को यूज़ कर सकते हो, मैं इसको लंबा करके आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ। सो मेरी मानना आप सभी लोग इस जगह पे रेड कलर को ही लो, वाइट कलर मैंने नॉर्मली दे दिया हूँ। अब गाइस आप सभी लोग देखो, ये जो इफेक्ट्स है इसको मैं फिलहाल सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद ये ब्लेंडिंग में जाके इसको मैं कर दूँगा स्क्रीन। सो स्कैन करने के बाद ये देखो, इसका जो डॉट है उसको हम लोग ये कैरेक्टर के जो सीने के ऊपर होती है उस जगह पे ले जाएंगे और इसको फुल कर देंगे। ये थोड़ा सा रहना, थोड़ा सा होगा तो नहीं चलेगा, ऐसा फुल कर दोगे, ठीक है। अब गाइस आप सभी लोग देखो, ये रेड कलर की है, आप सभी लोगों को पसंद ना आए तो आप सभी लोग इस जगह पे एडजस्टमेंट में जाके लास्ट में चले जाओ और हेच यू ई इसको चेंज करो। सो इससे आप सभी लोगों को कलर चेंज हो जाएगा। सो मुझे ये कलर पसंद आ रही है बहुत, सो इसको मैं ले लूँगा। अब गाइस आप सभी लोग देखो, इसको मैं जब भी प्ले करूँगा, सो ये हो जाने के बाद ये उसके बाद व्हाइट कलर की एक आ जाएगी, ठीक है। सो ये व्हाइट कलर की हमें नहीं चाहिए, सो इतना दूरी हम लोग रहने देंगे। ओके, अब गाइस राइट साइड को हम लोग ट्रिम कर देंगे। सो फिलहाल आप सभी लोग इतना दूर कर लेने के बाद लेयर के अंदर टैप मीडिया में टैप और आप सभी लोग जैसे सभी इफेक्ट्स को अप्लाई करके लाए थे उसको ले आओ। उसके बाद आप सभी लोग देखो, ये जो लेंथ है ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और सभी इफेक्ट्स का कुछ छोटा है। सो इसको हम लोग स्पीड में जाके स्लो मोशन करेंगे, सो ऑटोमेटिकली लंबा हो जाएगी। सो इसको हम लोग फुल स्क्रीन कर देते हैं। सो फुल स्क्रीन में फिलहाल इसको कर देता हूँ। अब गाइस आप सभी लोग इसको एडजस्टमेंट में जाके इसका भी कलर चेंज कर सकते हो। सो मैं इसका कलर भी ये ग्रीन टाइप के रख देता हूँ। अब गाइस डन में क्लिक और फिर से हम लोग फोटो के ये वीडियो के अंदर टैप ये ब्लेंडिंग में चले जाएंगे। ब्लेंडिंग में चले जाने के बाद इसको भी स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। सो ये पीछे वाला जो कलर है और ये कलर कुछ मैच नहीं कर रहा है तो हमें एक बार फिर से एडजस्टमेंट में जाके हेच यू क्यू को थोड़ा सा छेड़छाड़ करूँगा। सो देख लेते हैं हमारी कलर मिल जाती है या फिर नहीं। सो इस जगह पे देखो, ये कलर कुछ मैच कर रही है। सो पीछे वाला जो वीडियो है उसको मैं एक बार डुप्लीकेट कर देता हूँ। सो कुछ ज़्यादा ग्लो दिखने के लग जाएगी। अब गाइस लेयर के अंदर टैप मीडिया में टैप और अभी हम लोगों ने जो बोला था पीएनजी करके ले आओ। सो पीएनजी को सिलेक्ट करो और इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। अब गाइस आप सभी लोग देखो, इसको मैं जब भी प्ले करूँगा सो ये कैसे दिखने को मिल रही है, ठीक है। सो ऐसा कुछ इफेक्ट दे रही है, बहुत ही मस्त। सो फिलहाल ये हमें सिलेक्ट करूँगा, फिर से डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं एक बार छोटा कर देता हूँ और इसको मैं इस जगह पे भी एक एक करके ले आता हूँ, मतलब चारों साइड से आप सभी लोग इस ग्लो को दे सकते हो, बहुत ही मस्त लगेगा। सो इसको मैं इस जगह पे भी दे दूँगा और इसको फिर से डुप्लीकेट करके इस जगह पे भी दे दूँगा। सो थोड़ा सा लैग लैग कर सकती है क्योंकि ज़्यादा लेयर में ऐड कर रहा हूँ। सो फिर से मैं इसको प्ले करूँगा और आप सभी लोग देखो ये कैसी हो रही है, ऐसा कुछ इफेक्ट्स, ठीक है। अब गाइस इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे
और अब भी एक्सपोर्ट कर देना। और एक्सपोर्ट होते होते आप सभी लोग हमारे चैनल को विजिट करो, चैनल को देखो, चैनल की कंटेंट को देखो, और वो कैफ की तरह या फिर बहुत सारे एडिटर की तरह रेटिंग मिल जाएगा आपके में। आप सभी लोगों को जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर दो, कमेंट में आप सभी लोगों का पिकअप करता हुआ आप सभी लोगों को उस वीडियो का नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। सो करीबन ये एक्सपोर्ट हो ही चुका है, इसको मैं एक बार एक्सपोर्ट फिलहाल करने देता हूँ। और ये एक्सपोर्ट हो चुकी है, एक बार कर दूंगा बैक और फिर से बैक, और हमारे जो प्रोजेक्ट था उसके अंदर चले जाएंगे। और इस जगह से हम लोगों का थोड़ी सी लोडिंग ले रही है। सो ये जो फोटो कैप्चर होकर रखी थी इसको हम लोग डिलीट और इस जगह पे इंपोर्ट करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने सिलेक्ट किया था इसको, सो इसको हम लोग कर देंगे थोड़ा सा स्प्रिट, स्प्रिट करने के बाद आप सभी लोग ये इस वीडियो के अंदर टैप, और इसको आप सभी लोग चले जाओ क्लिप ग्राफिक्स में, और इस जगह से कॉल में डीजे आप सभी लोगों को डाउनलोड कर लेनी है। और जिसको भी नहीं पता ये कैसे डाउनलोड करती है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप सभी लोग चेकआउट करो, उस वीडियो को इजीली डाउनलोड कर पाओगे। उसके बाद इसको कॉल में डीजे को सिलेक्ट करो, फोर्थ नंबर वाली जो इफेक्ट्स होती है उसको अप्लाई करो और डन में क्लिक। अब गाइस आप सभी लोग देखो ये कैसे हुआ है, हेडशॉट और ऐसा कुछ इफेक्ट्स। सो ये था सेकेंड पार्ट, और आप सभी लोगों को थर्ड पार्ट भी आएगी और फोर्थ पार्ट तो आएगी। सो आप सभी लोग इस जगह पे थोड़ा सा साउंड इफेक्ट्स भी लगा सकते हो। सो मैं मेरे मुताबिक इसको साउंड इफेक्ट्स को लगा देता हूँ, और आप सभी लोग देखो कौन सी जगह पे हेडशॉट लगी है, ठीक है। आप सभी लोग फिलहाल तो वो कैप्चर करो, और साउंड इफेक्ट्स का अलग से एक वीडियो बना के रखा हूँ, हेडशॉट के जो साउंड इफेक्ट्स के वो आप सभी लोग आई बटन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट करो। सो इस जगह पे एक मार्क कर देता हूँ, उसके बाद हमारे जो सेकंड हेडशॉट थे उस जगह पे भी चले जाऊँगा। सो इस जगह पे भी और एक हेडशॉट, सो इसको भी मार्क कर देता हूँ। अब गाइस हम लोग पीछे चले जाएंगे, और इस जगह पे एडजस्ट में ऑडियो में जाके फोल्डर और वन टैप में जाके हमारे जो वन टैप वाली साउंड इफेक्ट्स है उसका हम लोग ऐड कर देंगे। सो ऐड करीबन हो ही चुका है, और इसको लेफ्ट साइड की ओर ले जाएंगे, और इसको डुप्लीकेट करके फिलहाल तो मैं राइट साइड में और एक हेडशॉट हुआ है उसको भी सिलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके सो इसको ड्रैग करके ले जाऊंगा। अब गाइस आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस जगह पे जो भी इफेक्ट्स है जो आ चुके हैं, इस जगह पे एक वॉश इफेक्ट्स को आप सभी लोग लगा दो, बहुत ही अच्छी लगेगी। सो ऑडियो में जाके मैं फिर से चले जाऊंगा, और वॉश इफेक्ट्स कहाँ पे है सो इसको लगा देता हूँ, बहुत ही मस्त तरीके से लगेगा। ओके अब गाइस आप सभी लोग फर्स्ट से लेके एक बार सुनो ये कैसे ये हुआ है। ओके सो आप सभी लोगों को ये जो वॉश इफेक्ट्स है इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ये वॉश इफेक्ट्स का जो साउंड है वो थोड़ी सी कम आ रही थी इसलिए। ओके सो ये सेकेंड पार्ट की वीडियो भी कंप्लीट हो ही चुका है। सो इसको भी हम लोग कर देंगे एक्सपोर्ट, और थर्ड पार्ट के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट पार्ट मैं पहले से बना कर रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर फर्स्ट पार्ट को चेक करो, और थर्ड पार्ट का लिंक भी मैं दे सकता हूँ जब भी मैं अपलोड करूँगा। और इसको मैं कर दूँगा एक्सपोर्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।